उनका और यंगस्टर्स के बीच बहुत सारे दूरियां हैं। हम और आप सब मिलकर ये दुनिया को खत्म करनी चाहिए। और एक नई बात खत्म करते हैं वो भूल जाते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में बताना चाहता हूँ, जैसे इलेक्शन आता है तब बोलते हैं हम साथ साथ हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होता है तब बोलते हैं हम आपके रैंक को। हमें आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज के जो वोट हैं जो डिलीट करके, मतलब एक घर में 6 वोट रहे तो 2 वोटों को निकालकर 4 वोटों को बचाना, गोया के शक भी ना आए क्योंकि हमारे पूरे वोट निकाले गए हैं, इस तरीके से साजिश की जा रही है। ये जो हमारे नौजवान आज मेहनत कर रहे हैं, आज जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, पूरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को बुला रहे हैं, हर ब्लॉक में मेहनत होना चाहिए, वोटर लिस्ट के वास्ते होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के वास्ते होते हैं। वोटिंग के दिन हमारा हाथ में आता है वोटर लिस्ट, देखता है नाम नहीं रहता, नाराज होकर गुस्सा आके फेंक गिरा है। हमारे जो जितने भी एमएलए लूज किए हैं वो बहुत, उनके वोट्स बहुत कम है, द डिफरेंस इज वेरी लेस। तो इस डिफरेंस को हम कैसे करेंगे? एक वोटिंग करवाना, आप अपने तरीके से बांट लें, आपके 10-20 नेबर इधर, 10-20 नेबर इधर, मेक श्योर दैट दे वोट फॉर इट। वोटर लिस्ट की जो खामियां उन्होंने फाइंड आउट की उसमें 15-18% 18 साल से 21 साल के हमारे बच्चे बच्चियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा, ये हमारा सबसे बड़ा रोना है। इसकी वजह यह है कि वोटिंग के तालुक से हमारे माशरे में बेदारी नहीं है। डू और डाई प्रश्न नहीं ला, यारू सुखी नहीं ला, ये बीजेपी सरकार के लिए नो बड़ी इज हैप्पी। ಇವತ್ತಿನ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ। मैं सियासी बात शुरू करने से पहले आसिफ शेख साहब का हम पूरे फौज की जानिब से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जो कोविड में आपने खिदमत अंजाम दी, फौज आपका एहसान कभी भूलेगी नहीं। हुगली और गदग से जो पेशेंट्स तक आप ताउन कर उनका इलाज कर भेजे, ये एक मिसाल है खिदमत खिदमत का शल, ये हम कभी भुला नहीं सकते। दूसरा अहम एनरोलमेंट के तौर से आज हमारी तीसरी नशिस्त है, हम दोबारा रिपीटेडली बार बार कह रहा हूँ, इतना अहमियत वाला काम है कि इसमें हमारा कैंडिडेट आराम से जीत के आ सकता है, हारा हुआ कैंडिडेट। मैं हर जिले में हुगली शहर की मिसाल देता हूँ कि बीजेपी का एमएलए हुआ करता था, 14,000 वोटर जिस दिन हमने माइनॉरिटी की एनरोलमेंट करे तब जाके नतीजे में ये मिला कि कांग्रेस एमएलए हमारा जीत के आया हुआ। तो मेरा मोहतीवाना गुजारिश है आप लोगों से कि जो 18 साल से और 21 साल के तक जो हमारा नौजवानों का तबका जो लड़की हो या लड़कियाँ, इनका एनरोलमेंट दाखिला की जिसे एडिशन हम कहते हैं फॉर्म नंबर 6 उसके लिए बना है, उस पर आप तवज्जा दें, जमातों को आप कॉन्फिडेंस मिले, नौजवान के मोहल्ला को आप कॉन्फिडेंस मिलेकर ये काम अंजाम दें। डीसीसी ऑफिस उस काम के लिए है और दूसरे इदारे भी हैं शहर के अंदर, एनजीओ वगैरह, उनकी मदद से आप ये काम को अंजाम देकर आने वाले दिनों में कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत सके उसके लिए आप एक स्टेज रेडी करिए, आपका ताउन दीजिए। और दूसरी बात सुनने में आता है, छोटे एक सुफियाने बात मैं आप लोगों के दरमियान रखना चाहता हूँ कि इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील मत करिए बरए मेहरबानी। 14 साल से इख्तलाफात हैं हमारे, वो कायमत तक रहेंगे, लेकिन जब हम कायद को मजबूत करते हैं तो कौम मजबूत होती है। 10 साल का जो पाक शफा भूल रहा है शेख साहब का, उसका कोई ये नहीं, अल्टरनेट नहीं दे सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को जो मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं गैर बोलते हैं हमारे ऐसा नॉन करप्ट एमएलए उनके गले शिकायत दे तो बाढ़ मेरा ना कल समाड़ रहा था। ये 6 महीने पहले हम लोग यहाँ पे मेहरानी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोनों डीसीसी को मिला के, राजू शेख साहब इतना डाउन रहा कि वो बड़े पैमाने पर कामयाब रहा है हमारा कॉन्फ्रेंस। उसके एक 2 दिन पहले कॉर्पोरेट्स की मीटिंग बुलाए थे,
कि कारपोरेटर अपनी राय दे रहा था, साहब सेठ साहब 10 साल तक पूरा डेवलपमेंट रहा, बीजेपी का एमएलए जब से आया माइनॉरिटी ब्लॉक्स के अंदर एक लाइट तक नहीं लगा, बोलते मैं फर्क बोल रहा हूँ, हमारे अपने होते तो क्या होता, घर है तो क्या होगा। आने वाले दिनों में आप खास ख्याल रखें, ख्याल को मजबूत करें, इख्तलाफ को आप भूलें, एनरोलमेंट के ऊपर तवज्जो दें, और एक जो मसला मस्जिद का उठा था उसको विद डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हमारे फिरोज शेख साहब, आसिफ शेख साहब पूरे फॉर्म को डीसी पास ले जाके उसे जो कन्विंस करें वो काबिल तारीफ है, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माजी एम एल ए घटाकर करता हूँ बिगड़ी काम ने धंधा ने उसे उसका मुँह तोड़ जवाब दें, ये कमिटमेंट है हमारा फॉर्म के लिए, ये जो खयादत है हमारे शेख साहब की आपके साथ 24/7 ये है, इसकी फिक्र ना करें, आने वाले दिन में हम भी आपके साथ रहेंगे। एनरोलमेंट के लिए आप मैं आपसे गाउन चाहूँगा, सहकार चाहूँगा आपका, तब जाके बात आगे बनेगी। तो ज़्यादा मेरी बात को दूर ना देते हुए चंद एक जुमले हैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। कोई हो जो सफ़र में साथ दे, मैं रुकूँ जहाँ, कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है। सलाम, मैं चंद कलिमा कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हालात हाजिरा पर हमारा जो मकसद है, जो हाल ही में 2-4 जगह सुनने में आया कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000, 25,000, 15,000 ऐसे वोट डिलीट्स किए जा रहे हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हुए एक लेजिस्लेटर्स की मीटिंग में परसों बेंगलोर में हाल ही में उन तमाम लोगों ने फिक्र करते हुए ख़ास तौर पर अखिलती शोबे में अखिलती तबका जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम जोर देकर ये जो काम उन्होंने डिलीट करने का शुरू किया है, हम लोग एडिशन करने का काम शुरू करेंगे। आने वाले 2023 का जो इलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हालात तो इतने बदतरीन होते जा रहे हैं, वो ख़ास तौर पर मुस्लिम खाई जहां पर जीतने के हालात पहले थे, अब ऐसे ही बनकर हमें कामयाब होने के लिए जितनी दुश्वारियां करना है वो पूरी साजिश है, साथ में रहकर भी कर रहे हैं, दूर रहकर भी कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है, सरकार का कर्म है कि हमको सिस्टम्स ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, हमारा सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट है, हर जुमे हमें ये मौका दिया जाता है कि हम सब मिलके इकट्ठा हुए, हर मस्जिद में हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे खुतबा होता है और मदरसे हैं हमारे जहाँ पे तालीम दी जाती है, तो ऑलरेडी वी आर इन टू सिस्टम्स। तो मैं क्या समझता हूँ, देयर इज ओनली वन वीकनेस। वीकनेस क्या है कि वोटिंग मैक्सिमम नहीं होती, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो भाई क्यों वोट देना, आराम से घर पे रहेंगे, कौन जाएगा, धूप है, ऑल दैट। तो इस वजह से हमारी वोटिंग कम होने से हमारी जो काउंटिंग है वो कम होती है। तो अभी मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना ये सब उन लोग बता रहे हैं, वो भी बताते हैं हमारे अजय साहब अंडर इंडस्ट्रियल साहब में बताते हैं। सबसे अहम है हमारा जो वोट जो है ना उसे आधार कार्ड पे लिंक करना, तो BLA के लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन पता नहीं वो कितना सही करते हैं कितना छोड़ते हैं, उसके बारे में भी गौर करना है, तो इसके लिए भी एक टीम बनाना। दूसरी बात है एडिशंस बोले ना, पहले वार्ड नंबर 6 रहता था उसमें एडिशंस डिविजन ट्रांसफर सब रहता था, अब एडिशंस के लिए वार्ड नंबर 6 है और एडिशन डिविजन के लिए वार्ड नंबर 7 है। ट्रांसफर जो होते हैं यहाँ पे बोले तो ये यहाँ से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है, यहाँ का नाम निकाल के वहाँ डालना, ये वार्ड से इधर डालना, इसके लिए वार्ड नंबर 8 है। इसकी यही दरखास्त है कि सिर्फ आप माइनॉरिटी की सीट के तरफ मत देखिए, सिर्फ वो सीट के तरफ मत देखिए, हमारे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 25-30-40,000 वोट है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो जब पार्टी कैंडिडेट देती है ये भी देखिए कि कैसा कैंडिडेट है, किसको टिकट दे रहा है, कि वो फुल पैंट के अंदर हाफ पैंट में भी आता है। हमने देखा 25 साल से इसको इलेक्टर पे लेके आ रहे थे, वो फाइनली बोला मैं RSS का आती हूँ, हमारे सामने है हकीकत है, हम देख चुके हैं।
नहीं तो कहाँ कहाँ जाते हैं हमारे लोग, ज़्यादा तो कुछ मांगे रहती नहीं है, बहुत कम बीमार रहते हैं तो हमारे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, तो ऐसे मेरे पास चले जाते हैं तो उसके पास चक्कर ही मारना पड़ता है, तो रोड रख के अंदर रहता है, मेरा आदमी गेट के बाहर रहता है। सबकी बातों को तो आपने मुझे सुना, शहर करदान नॉर्थ की वो सीट थी जो गिरी नहीं, गिराया गया है, क्योंकि जैसे सिराज भाई ने कहा कि 11 से 7 हो गए, 17 थे 11 थे 7 हो गए, और अगर ये लोग अगर मेहनत नहीं किए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले तो इंशाल्लाह 3 से 0 हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाले की कोशिश यही है कि हम 0 हो जाए। आज पूरी माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो भी है वो तो इकट्ठा है ही है, लेकिन जहाँ पर माइनॉरिटी का कैंडिडेट बैठता है वहाँ मेजॉरिटी वाले हमें कितने वोट देते हैं वो मेरा आप अंदाज़ा लगाइए और हिसाब किताब कीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से ही जो है MLA चुनकर आता है। यहाँ शहर बेलगाम में हम जो है 65 वोट देकर भी जो 55,000 वोट देकर भी जो है हम गिर गए, क्योंकि एक प्लान के तहत हमें गिराया गया है, क्यों कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा जो है आगे चलकर हमें और भी नुकसान पहुंचाएगा, और यहाँ पर जो है हमें ये बात का डर था कि अगर थर्ड मरतबा अगर जीत जाता है तो ये शायद ये मिनिस्टर होगा और आसपास वाले को मिनिस्टर का मौका भी नहीं देगा, ये चीजें जो है गौरव फिक्र करने की बात है। आज हमें हम तो इकट्ठा ही है, हम बिखरे हुए बिल्कुल नहीं, इतराज में हमारी कौम बेलगाम की कौम, शहर बेलगाम की कौम आसिम सेठ साहब फिरोज सेठ साहब के साथ कभी भी इंशाल्लाह अभी रात में 24/7 जैसा बोले उन्होंने कि 24/7 हम इकट्ठा ही इकट्ठा है। आज हमें किस तरीके से साजिश के साथ जो है हमारे कैंडिडेट्स को जहां नहीं हर जगह के माइनॉरिटी कैंडिडेट खासकर मुसलमानों को जो है इस तरह से इनकी मेजोरिटी कम हो जाएगी, इस तरीके से आप सीनियर लोगों के साथ जो बैठते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि सामने वाले जब आपको वोट दे रहे हैं तो आप हमको कितने वोट देंगे, आप बैठ कर जो है ये भी तय कर लीजिए कि हमारे अजीज अजीज जब्बार भाई अभी माशाल्लाह हमारे सदर साहब है वो बेबाक तौर पर कहते हैं जहाँ जहाँ मुसलमानों को शीर्ष दिए जा रहे हैं, अब हमारे सिराज भाई ने बेटो अल्फाज में कहा कि माइनॉरिटी के लिए सेठ साहब के लिए बेलगाम की ये यहाँ पर सीट है जो सिर्फ और सिर्फ सेठ साहब के लिए यहाँ पर बेलगाम को सीट मिलेगी। भाई सेठ साहब को यहाँ से टिकट नहीं मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह कांग्रेस की जो है क्या हालत होगी बाद में आप देख लीजिए, वो बात अलग है। थोड़ी कर करके बेलगाम ग्रामीण में मीटिंग लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, मकसद ये अवधि कहिए है कि माइनॉरिटीज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो और आने वाला इलेक्शन 2023 और पार्लियामेंट 2024 इलेक्शन में हमारा हम 14% बढ़े और जहाँ हमारे वोटर लिस्ट में नाम जहाँ पर डिलीट हो गए हैं या ग्रो कराना है ये 4-6 महीने के अंदर जो है कड़ी मेहनत हम लोगों को करना है, उसकी जिम्मेदारी और निगरानी के लिए उन लोगों को हमारे जब्बा साहब ने खास करके जिम्मेदारी दी है, तो ये लोग जो है हमारा हाथ हाथों को मजबूत करने के लिए अपना काम धंधा अपना शहर वगैरह सब छोड़ करके हमारे दरमियान में आया करते हैं,